ये सनातनियों की बदकिस्मती है, बदकिस्मती। क्यों बदकिस्मती? 1.2 बिलियन होने के बाद, 1.2 बिलियन इस दुनिया में, ये एक ऐसी मान्यता है, माफ करना मेरे हिंदू भाइयों, बदनसीब, जिनको आज तक पृथ्वी पर अपना एक मुल्क नसीब नहीं हुआ। बस यार, और कितना सहूं मैं, और कितना सहूं। रिजवान अहमद जी, एक तो अगर आप हिंदुस्तान बोलते तो मत बोलिए, ये शोहेब जमाई को पसंद नहीं है। जय हिंद वंदे मातरम। अभी किसी साहब ने जहालत की प्रकाष्ठा पार कर दी, उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये भी तो पर्सनल लॉ है, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये मॉडर्न लॉ है, और हिंदू कोई भी कोडिफाइड लॉ किसी भी सनातनी संस्कृति या थियोलॉजी से इंस्पायर्ड नहीं है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसी पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। तो टीवी पर बैठकर खुदा के वास्ते कानूनी ज्ञान न दिया करो, सब गलत देते हो, पहली चीज। अब आगे चलते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। अमीश भाई बुरा ना मानिएगा, शुभ्रास्त्र बुना ना माने, संगीत रागी बुरा ना माने, अब गंगा से बहुत पानी बह गया। पूरी नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफिक्स बदल गई। पंजाब का सोचने का तरीका, बहुत सा अफसोस की बात है, बदल गया। आज मुझे लगता है कि धरातल पर यह चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, लेकिन यह सनातनियों की बदकिस्मती है, बदकिस्मती। क्यों बदकिस्मती? 1.2 बिलियन होने के बाद, 1.2 बिलियन इस दुनिया में, ये एक ऐसी मान्यता है, माफ करना मेरे हिंदू भाइयों, बदनसीब, जिनको आज तक पृथ्वी पर अपना एक मुल्क नसीब नहीं हुआ। बस यार, और कितना सहूं मैं, और कितना सहूं। यहूदियों को हुआ, बुद्धिस्ट को हुआ, ईसाइयों को हुआ, मुसलमानों को हुआ, बंटवारा हिंदू के लिए इतना हानिकारक, सनातनी के लिए नहीं था। जो सन 50 में हिंदू को एक ऐसा धोखा दिया गया कि इस बदनसीब, बुरा ना मानिएगा, पांचवी आप बार बोल रहा हूं, पांचवी बार, बदनसीब सनातनी। क्यों बोल रहे हैं आप बार बार हिंदुओं को बदनसीब? नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन है सर इसके ऊपर। रिजवान अहमद, आपने सवा मिनट बात रखी अपनी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्यों बार बार आप बदनसीब बोल रहे हैं? क्या कारण है बदनसीब बोलने का? कारण सुनिए, आप सुनिए, आपके पास कुछ भारत, अखंड भारत 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, जहां सभी सनातनी थे, सभी सनातनी। 1200 साल में भारत आधा रह गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर निकाल दोगे तो भारत आधा रह गया, नेपाल। और वो निकालने के बाद भी उस सनातनी को ये बचा हुआ भारत पूर्णता अपना नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। तू जा ना, मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ, जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? जहां तक की आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर की बनने की बात आई तो विरोध हुआ, राम मंदिर पर विरोध हुआ, जी, काशी विश्वनाथ तक पर विरोध हुआ। अमीश भाई, तो क्या मैं इसको बदनसीबी नहीं बोलूंगा? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ओके ओके, यहां पर एक डिसएग्रीमेंट है प्रोफेसर रागी के, डू यू एग्री और यू डिसएग्री? मैं रिजवान साहब की बात से 200% सहमत हूं। क्यों? क्या आपका संविधान में यकीन नहीं है? सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले मुझे अपनी बात, जैसे सब लोगों को बोलने दिया है, मुझे आपका है, एक मिनट बोलिए। देखिए, पहली बात तो हिंदू अपने आप में ही शब्द सेकुलर है, क्योंकि हिंदू कभी सेल्फ और अदर्स की बात नहीं करता है। गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, पूरे ह्यूमैनिटी की शांति की बात करता है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। ये इस्लाम की तरह नहीं है कि जो हम दीन में नहीं मानेगा वो काफिर है, और उसकी उसको हम कहाँ दिखाएंगे, कौन सा दिखा देंगे। और क्रिश्चियनिटी सेल्फ और अदर्स की बात करता है, हिंदुइज्म का है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। कैसे? इसको सुन लीजिए, क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदू है, जो सबको अपने आप में समेट करके चले, जो सबके साथ समानता का व्यवहार कर सके,
वही हिंदू हो सकता है, ये बात न इस्लाम में है न क्रिश्चियनिटी में है। दूसरी बात, इस हिंदू राष्ट्र को जैसा कि रिजवान जी ने कहा ये बचाने की जिम्मेदारी थी 1950 के बाद, लेकिन उसका क्रमशः इस्लामीकरण होता गया। नॉर्थ ईस्ट आज क्रिश्चियनाइज लैंड बन चुका है। भारत के अंदर 90 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंस, और आज के दिन में वहीं सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, वही इस्लामाइजेशन की बात होती है, वही मुद्दे निकलते हैं जो 1947 से पहले थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।